हेलो दोस्तों दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल में फ़ाइनल कट ऑफ के मैं फैक्ट्स आपको समझाने वाला हूँ। फ़ाइनल कट ऑफ बढ़ेगा आपका या फिर कम होगा, ध्यान से आप समझिएगा। जो आपका फ़ाइनल कट ऑफ है उतना का उतना ही रहेगा, जो कट ऑफ आपका रिवाइज्ड रिज़ल्ट आया था एसएससी जीडी का वही रहने वाला है, या उससे पॉइंट में बढ़ सकता है या कुछ नंबर बढ़ सकता है। सारी जानकारी आपको दूंगा, क्यों बढ़ सकता है वो भी बताऊंगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जो रिवाइज्ड रिज़ल्ट आया था, देखिए कट ऑफ दिया हुआ था फीमेल कैंडिडेट्स का, ठीक है, और जनरल डिस्ट्रिक्ट का, तीन उसमें बांटा हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स को, जनरल, नक्सल और बॉर्डर, ठीक है। तो हम जनरल डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं, हम आंध्र प्रदेश का, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं 1, 2, 6 और 9, ये कैटेगरी दी हुई है दोस्तों, ठीक है। ये कैटेगरी यहाँ पर बताई हुई है, जिसमें 9 जनरल की है, 6 ओबीसी की है, ठीक है, ये कैटेगरी है। अब हम देखते हैं, मान के चलिए आंध्र प्रदेश की ओबीसी कैटेगरी के देखते हैं कि कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं 510 और कट ऑफ गया हुआ है 38.01, ठीक है। ये फाइन, ये अपना मेडिकल के लिए दोस्तों ये कट ऑफ है, रिवाइज्ड कट ऑफ जिसको आप बोल रहे हैं, 38.01 गया हुआ है। अब ये मेडिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं जो बच्चे यहाँ से गए हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई हो जाते हैं, तो क्या इतने नंबर में उनको फाइनल मेरिट में नाम उनका आ जाएगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फैक्ट समझाऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिनका मेडिकल होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। देखिए एसएससी जीडी में आपका जो कट ऑफ है, मैं बताता हूँ किस में डिपेंड करता है। डिपेंड करता है दोस्तों वो आपके ऊपर, सबसे पहली बात ये कि आपका कट ऑफ, मान के चलिए कि ये जो रिवाइज्ड कट ऑफ में आपके नंबर हैं 38 नंबर हैं, ठीक है, और 38 ही आपकी, आपका कट ऑफ गया हुआ है मेडिकल के लिए और आपके भी 38 ही नंबर हैं। अब आपको लग रहा है कि फ़ाइनल मेरिट में शायद मैं बाहर हो सकता हूँ, एक नंबर बढ़ जाए, दो नंबर बढ़ जाए, यदि पॉइंट में भी बढ़ा, पॉइंट वन में भी बढ़ा तो मैं बाहर हो जाऊँगा, ये कंडीशन आपकी बन रही होगी, ठीक है। कुछ लोगों के ज़्यादा नंबर होंगे, जैसे किसी का 38 कट ऑफ गया है तो किसी के 68 नंबर आए होंगे, तो उसको कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं आपको यहीं पर बता दूँ, जिसके 38 नंबर आए हैं, 38 कट ऑफ गया हुआ है, और एक लड़के के 38 आए हैं और एक के 68 आए हुए हैं, कट ऑफ 38 गया हुआ है, दोनों क्वालिफाई हैं, ठीक है, इसको डर नहीं है और इसको डर है कि मैं बाहर हो सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेडिकल में मान के चलिए ये बाहर हो गया, मेडिकल में 68 नंबर वाला बाहर हो गया और 38 नंबर वाला मेडिकल में क्वालिफाई हो गया, तो इसके देखिए कितने नंबर प्लस हैं, 30 नंबर इसमें प्लस हैं, कोई मतलब के नहीं, 30 नंबर जो इसने प्लस लाया था कोई मतलब के नहीं। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी इंडियन आर्मी फोर्सेस CAPF पैरामिलिट्री को ज्वाइन करते हैं तो आपको हर चीज़ में परफेक्ट होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर ला लेंगे, मेडिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, बाहर नहीं, सब चीज़ में परफेक्ट होगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परफेक्ट मतलब कि क्या होता है कि आपने देखिए CBT को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, भले आपके 34 नंबर हैं या फिर 38 नंबर हैं, तो यहाँ पर आप परफेक्ट खेला गए, ठीक है, कि आपने CBT क्वालिफाई अच्छे से कर चुका है, फिज़िकल आपने क्वालिफाई कर लिया, आप वहाँ परफेक्ट हो गए। अब आती है मेडिकल की बात, मेडिकल को कौन कौन, जो भी क्वालिफाई करेगा मेडिकल को वो परफेक्ट होगा, उसके नंबर भले 95 हों या 33 हों, ठीक है, 33 वाले का नाम भी मेडिकल के लिए आया होगा और 95 वाले का नाम भी मेडिकल के लिए आया होगा, लेकिन परफेक्ट वही होगा जो मेडिकल को क्वालिफाई कर ले, शायद 95 वाला ना कर पाए या फिर शायद 33 वाला ना कर पाए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। पैरामिलिट्री में सिर्फ ये समझिएगा आप कि सभी चीज़ में आपको क्वालिफाई होना है, हर चीज़ में आपको परफेक्ट होना है, तब आप फाइनल मेरिट तक आप पहुंच पाओगे। और फाइनल मेरिट तक जो पहुंच गया दोस्तों, आपको मैं भरोसा दिला रहा हूँ, मान के चलिए 100 पोस्ट हैं, ठीक है, और 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चों को 100 पोस्ट के लिए लिया जाएगा, कट ऑफ बढ़ने की संभावना नहीं होगी, ठीक है, उनके पास बच्चे नहीं होंगे तो कट ऑफ उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन दोस्तों यदि आप मुझसे पूछें एक्सपेक्टेड, तो मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ ज़रूर बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा ध्यान रखिए। देखिए कुछ स्टेट ऐसी होंगी जिनका कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, जैसे ये लिखा है 37.72, इतने में ही फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी फोर्सेस ऐसी होंगी, दूसरी स्टेट ऐसी होंगी जैसे कि जिनका 34 दिया हुआ है और उनका कट ऑफ 38 चला जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा दोस्तों। आप देखिएगा जब फाइनल मेरिट आएगी कंफर्म ऐसा होगा, और जिसमें मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो बढ़ने की संभावना है वो है ओबीसी और जनरल की, ठीक है, ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट्स को मैं बता दूं, आपके कट ऑफ
पढ़ने की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपके कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपके कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, ओबीसी के तो बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो आपके कट ऑफ बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी और ज़्यादातर स्टेट का कट ऑफ आपका बढ़ेगा ही, और पॉइंट में भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि 2 नंबर बढ़ जाएगा या फिर 3 नंबर बढ़ जाएगा, नहीं, 0.1 भी बढ़ सकता है, 0.2 भी बढ़ सकता है, या फिर 0.01 भी बढ़ सकता है, ठीक है। कट ऑफ बढ़ेगा ही, और कुछ स्टेट होंगी जो कि जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस टाइप की जो स्टेट हैं जहाँ पर कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, तो उनका उतने में ही सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब आप बात करेंगे, देखिए इंडिया में सबसे जो जिनका लेवल अच्छा है पढ़ाई का, अरे यार सॉरी, सबसे ज़्यादा कंपटीशन की हम बात करें तो ज़्यादातर जो होता है राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, ठीक है, ये जो स्टेट हैं इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। उसके बाद बात करें तो एमपी आता है, और धीरे धीरे फिर स्टेट आती जाती हैं जिनका लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है कॉम्पिटिशन का, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है, मैं बात करता हूँ दोस्तों मेल कैंडिडेट्स की। देखिए अभी जो हम कट ऑफ कितना गया मेल कैंडिडेट्स का, सबसे पहले मैं आपको मेल कैंडिडेट्स का बता देता हूँ क्योंकि मेल कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। ये नक्सल और मिलिट्री का है, ये देखिए, रिवाइज्ड कट ऑफ डिटेल्स ऑफ मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसी फॉर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया। दोस्तों जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का जो कट ऑफ अभी गया हुआ है, कितना गया हुआ है, आप लोगों के मार्क्स कितने आए हैं इस कट ऑफ से लेकर, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है। देखिए सारी डिटेल दीजिएगा, आप मेल ज़रूर लिखिएगा, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, ठीक है। अपनी कास्ट लिखिएगा, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जो भी है, अपने मार्क्स लिखिएगा और ये बता दीजिएगा कि आपके स्टेट का कट ऑफ कितना गया है, ठीक है, और आपके मार्क्स कितने आए हैं। देखिए अंडमान निकोबार का गया था 37, ठीक है, ये कैटेगरी लिखी हुई है, आपको पता है आपकी क्या कैटेगरी है, सारी चीज़ें आपको मैंने पहले ही बता चुका है पुरानी वीडियोज़ में। बिहार का आप देख सकते हैं, ये जो 5 स्टेट्स हैं, ओ सॉरी 5 कॉलम में दिया हुआ है, सारे नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, 76, 74, 76, 35, 59, ठीक है, ये सारी चीज़ आप बिहार की देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, ठीक है, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, J&K, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में देखिए ये जो 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हैं कितना कितना कट ऑफ सभी का गया हुआ है। ओबीसी का कट ऑफ 74.11, जनरल का 74.04 गया हुआ है। इस हिसाब से आप सारा अपना कट ऑफ चेक कर सकते हैं और अपने मार्क्स हमें बताइएगा आपकी स्टेट के हिसाब से कमेंट करके। तो दोस्तों फाइनल मैं आपको बताता हूँ कि आपका कट ऑफ फाइनल मेरिट में बढ़ेगा या नहीं। देखिए दोस्तों बहुत कम चांस है फाइनल मेरिट में कट ऑफ बढ़ने के, ठीक है, चांस सिर्फ उन्हीं स्टेट के हैं कट ऑफ हमारा बढ़ सकता है कितना, 0.5 बढ़ सकता है, और वो स्टेट मैं आपको बता रहा हूँ, 0.5 देखिएगा, सिर्फ 0.5 की बात कर रहा हूँ मैं उन स्टेट की। वो स्टेट हैं दोस्तों हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट हैं जिनका लेवल कॉम्पिटिशन का अच्छा है वहाँ पर कट ऑफ बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर लोग बंदे भी फिट होते हैं, सारे फिजिकल में, मेडिकल में सारे ज़्यादातर फिट ही हो जाते हैं, क्योंकि वो तैयारी ही फ़ौज की कर रहे होते हैं या फिर आर्मी की, पैरामिलिट्री में जाने की ही तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे बिहार के लड़के हुए और यूपी के हुए, हरियाणा के हुए, है ना, राजस्थान के हुए, ये सब लोग फिट ही रहते हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा मेडिकल में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। तो मैं आपको वही बताता हूँ, 0.5 इनके ज़्यादा संभावना है, और जिन लोगों का लेवल कम है, जिन स्टेट का, आप लोगों को पता है कि आपके स्टेट का कट ऑफ कम गया हुआ है, किसी का 50-53 गया हुआ है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन स्टेट का कट ऑफ 70+ गया हुआ है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि हाँ यार हमें थोड़ा बढ़ सकता है पॉइंट में, हमारा कट ऑफ बढ़ सकता है, लेकिन जिनका कम गया हुआ है 50-55, है ना, 48-35, इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला, ठीक है, कॉम्पिटिशन कम है इसलिए आपका कट ऑफ कम गया हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है, और लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूँगा SSC GD कांस्टेबल की। कमेंट करके हमें बताएं आपके मार्क्स कितने थे।